हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली सिविल इंजीनियर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोर, विंडो, वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट फैन का स्टैंडर्ड साइज के बारे में, उसका स्टैंडर्ड साइज क्या रख सकते हैं हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक नंबर में लिखूँगा मेन डोर, मेन डोर का साइज क्या रहेगा। तो जो मेन डोर होता है वो बेडरूम के डोर से थोड़ा सा चौड़ा होता है और हाइट सेम ही होता है। तो इसका मेन डोर जो स्टैंडर्ड साइज होता है ये 4 फीट बाई 7 फीट का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दो नंबर में अगर बात करें बेडरूम डोर, बेडरूम का जो डोर होता है बेडरूम डोर का जो साइज होता है 3 फीट बाई 7 फीट का होता है, ये स्टैंडर्ड साइज होता है। उसके बाद तीन नंबर में आता है किचन डोर, किचन डोर आता है। किचन डोर के अगर साइज की हम बात करें तो 2.5 फीट × 7 फीट होता है। जो इस साइड में मैं लिख रहा हूँ ये हाइट है, ये चौड़ाई है, विड्थ है और ये हाइट है, इस पे आप ध्यान दें। चार नंबर में अपना है बाथरूम डोर साइज, बाथरूम डोर का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है किचन के बराबर ही 2.5 फीट × 7 फीट। बाथरूम डोर का स्टैंडर्ड साइज होता है 2.5 फीट × 7 फीट। अब बात कर लेते हैं विंडो का। अब बात करेंगे विंडो का, ये था डोर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर विंडो का बात करें तो एक नंबर में हम बात करेंगे फिर से बेडरूम का। बेडरूम का जो विंडो होता है वो आप दो तरह से ले सकते हैं स्टैंडर्ड साइज की अगर बात करें हम, तो एक तो 5 फीट बाई 4 फीट का ले सकते हैं, यहाँ पे ये हाइट है और ये चौड़ाई है। अगर दो नंबर में बात करें या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं 5 फीट बाई 5 फीट, अपने जगह के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। 4 फीट बाई 4 फीट भी इसे ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा बड़ा लें, नहीं तो छोटा ले रहे हैं तो दो विंडो बेडरूम में हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद अगर हम बात करें किचन का विंडो का, किचन के विंडो का बात करें तो किचन का विंडो का जो साइज होता है 3 फीट बाई 4 फीट का होता है। ये 3 फीट अपना चौड़ाई है और 4 फीट हाइट है। तीन नंबर में हम बात करते हैं बाथरूम का। तो बाथरूम में तो विंडो का जरूरत नहीं रहता है, तो बाथरूम में विंडो नहीं आएगा। तो हम बात करेंगे, अब बात करेंगे वेंटिलेशन का। वेंटिलेशन देख लेते हैं। अब बात करते हैं वेंटिलेशन का। वेंटिलेशन अगर बेडरूम में लगाएं हम, वेंटिलेशन का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो हर जगह सेम ही होता है, चाहे बेडरूम हो या किचन हो। तो हम फिर भी देख लेते हैं एक बार। वेंटिलेशन का जो हाइट होता है वो होता है 1 फीट और जो चौड़ाई होता है वो होता है 1.5 फीट, यानी कि 1 फीट 6 इंच यानी कि 18 इंच। ठीक है, इस तरह से होता है। अगर बात करें हम किचन का, तो किचन में आप सेम साइज लगा सकते हैं, यानी कि 1 बाई 1.5 फीट। ठीक है, किचन में। अगर बात करें टॉयलेट में यानी बाथरूम में, तो आप सेम साइज प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, अपना जगह भी
देखना पड़ता है कि हमारा जो वेंटिलेशन है किस जगह में जा रहा है बाहर की तरफ, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये अपनी अकॉर्डिंग एडजस्ट इसे कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो साइज था वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं एग्जस्ट फैन का। जो एग्जस्ट फैन होता है, वो तो आप दो ही जगह लगाते हैं, एक तो किचन में और दूसरा बाथरूम में। किचन में, अगर किचन का हम बात करें पहले एग्जस्ट फैन लगाने का, तो एग्जस्ट फैन का जो साइज आता है वो अपना 6 इंच से लेकर के 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच और 12 इंच, यानी कि इन इन साइजों में इसका डायामीटर रहता है। जो फैन का डाया होता है इस साइज में रहता है, गोल शेप में। तो आप अपने अकॉर्डिंग किचन का, अगर मतलब किचन ज़्यादा बड़ा है तो आप 8 इंच या 10 इंच का लगा सकते हैं, अगर छोटा किचन है तो 6 इंच वाला से भी काम चल जाएगा। अगर हम बात करें टॉयलेट का, तो टॉयलेट में तो 6 से 8 वाला ही लगता है ज़्यादातर, लेकिन इस साइज में आता है तो उस हिसाब से ही गोल, अगर जगह छोड़ रहे हैं गोल शेप में किचन या टॉयलेट बनवाते समय, तो इस हिसाब से छोड़े कि पहले सोच ले किस तरह का लगवाना है उस हिसाब से। फ्रेंड्स, मैं लास्ट में भी बता दूं कि जो भी हमने ये साइज बताया है ये स्टैंडर्ड साइज है, आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमने जो भी ये साइज बताया है डोर का और विंडो का, इसमें हम इंक्लूड बताए हैं, जैसे कि इंक्लूड होगा इसमें, जैसे सपोज ये विंडो हो गया तो इसमें अपना ये जो लगता है विंडो फ्रेम या डोर फ्रेम, ये इंक्लूड है। यानी कि मेजरमेंट हमें यहाँ से नहीं बताए हैं, जबकि हमें यहाँ से बताए हैं लास्ट से, यानी कि वॉल का जो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये साइज बताया गया है। इसमें जो डोर फ्रेम है इंक्लूड है। अगर बात करें विंडो किस हाइट पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये कोई घर है, ये दीवार उठ रहा है यहाँ से, ये दीवार का हाइट हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक 3 फीट है, मान लेते हैं 3 फीट है। तो जो लैंडिंग हाइट होता है, जिसको सी लेवल बोलते हैं, सी लेवल ये होता है, सी लेवल होता है, ये जो सी लेवल होता है वो 3 फीट पे हम, मतलब लैंडिंग जो हाइट होती है विंडो की वो 3 फीट पे प्रोवाइड होती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, अगर वो सिविल इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो या फोरमैन हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।